सीट पर 28 मई को होने वाले उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और यह लड़ाई अब सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच हो गई है। शनिवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में जदयू और आरजेडी ने दोनों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं गुरुवार को एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने जदयू उम्मीदवार मुर्शीद आलम के पक्ष में वोट मांगे, वहीं शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी उम्मीदवार शहनवाज आलम के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। गौरतलब है कि जोकीहाट विधानसभा सीट पर जदयू का पिछले 4 साल से कब्जा जा रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव की कोशिश होगी कि इस बार नीतीश के किले में सेंधमारी की जा सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 5 करोड़ अंशधारकों के खातों में 8.55% ब्याज डालने को कहा। यह वित्त वर्ष 2012-13 के बाद सबसे कम है। तो वहीं ईपीएफओ के 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों को लिखे पत्र के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2017-18 के लिए अंशधारकों के भविष्य निधि खातों में 8.55% ब्याज देने को मंजूरी दे दी है। तो वहीं वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में ईपीएफ पर 8.55% ब्याज देने को मंजूरी दे दी थी, लेकिन कर्नाटक चुनाव के कारण आचार संहिता लगे होने से इसे लागू नहीं किया जा सका। श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 21 फरवरी 2018 को हुई बैठक 2017-18 के लिए 8.55% ब्याज देने को फैसला किया था। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिजली का संकट गहरा सकता है, क्योंकि बिजली संयंत्रों के पास कोयले का आरक्षित भंडार एक दिन से ज्यादा की खपत के लिए नहीं बचा है। कोयले की कमी के लिए उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल को जिम्मेदार ठहराया। जैन ने कहा कि उन्होंने 17 मई को ही गोयल को पत्र लिखा था, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। जैन ने कहा कि NCR के बिजली संयंत्रों के पास कोयला नहीं है। दादरी 1 और 2, बदरपुर और झज्जर किसी भी संयंत्र के पास कोयल का भंडार एक दिन से ज्यादा के लिए नहीं है। तो वहीं मानव जनित आपदा आने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारे पास हमेशा अतिरिक्त बिजली रहती थी, लेकिन आज कोई अतिरिक्त बिजली नहीं है। अगर कोई संकट उत्पन्न होता है अंधेरा छा जाएगा। मंत्री ने कहा कि बिजली संयंत्रों के पास 14 दिनों की खपत के लिए कोयले का आरक्षित भंडार होना चाहिए। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरी कैबिनेट को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सुपर पावर के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस को 2019 में अगली हार की तैयारी कर लेनी चाहिए। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 4 वर्षों में मोदी सरकार के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर देश सशक्त हुआ है। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। उसी तरफ केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार के पिछले 4 सालों का सार मेरा भाषण ही मेरा प्रशासन है। वही सरकार सभी पैमानों पर पूरी तरह फेल रही।